जीजा जी बर्तन साफ करें, दीदी अंदर बैठी हुई है। और क्या, हाँ इसने बोला है मम्मी, मेरे आंखों के सामने बोला है। और आप सब सोच रहे होंगे ये क्या हो रखा है, ये देखो। रात आपने ऐसे भटूरे खिलाए, अब इसे सुबह कचौड़ी खिला रहे हो, सब फुटबॉल बना के भेजोगे कैसे? हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 4:15 से। 4:15 से मैं इसलिए, और आप सब सोच रहे होंगे ये क्या हो रखा है, ये देखो। लक्ष्य भी आपको हाई कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ है ना, जैसे हमारे यहाँ पर हुआ था ना कि लाइट का वो हो गया था, प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया था, एसी वेसी ज़्यादा चल रहे थे तो वो तार फूक गई थी। ऐसे आज यहाँ भी हो गया, यहाँ की तार फूक गई और यहाँ पर ऐसा पहली बार हुआ है। है अम्मी, पहली बार ही हुआ है ना। वो भी 3:30 करीब हुआ था, फिर हम लोगों ने कहा छोटी किस्मत है, अपने छोटी किस्मत आने के आ गई। मेरी मम्मी को बहम हो जाएगा, सच में मेरे को नहीं बुलाएंगी तो। है अम्मी, फूटी किस्मत है। नहीं ये तो होना था गर्मी की वजह से। देखा, ये भड़का लो जितना मर्जी भड़का लो। सो फिर हमने सोचा 15 मिनट यही डिसीजन में कि नीचे सोए कि ऊपर सोए, गर्मी बहुत हो रही थी तो हम लोगों ने सोचा कि अब ऊपर ही सो जाते हैं। हम हवा अच्छी चल रही है वैसे तो, वैसे अम्मी हवा अच्छी चल रही है, सो सकते हैं, रात तो कट ही जाएगी। क्या बोले? 6 बजे नीचे। हाँ थोड़ी नहीं, वहाँ भी चलती है। अरे वहाँ छत पे ना उल्लू बहुत होते हैं, मन नहीं करता उल्लू की वजह से जाने को। जीना मुश्किल कर देती है। तो यहाँ तो वो वाली लाइट जाती है ना, ये तो यहाँ तो फोन हम किसी को कर भी नहीं सकते ना। तो वहाँ पर जाती, अब कोई बिजली वाला भी नहीं आएगा कि कर दे, अब सुबह ही आएगा जो आएगा, रात तो काटनी पड़ेगी। जैसे जैसे अब यहाँ छत पे आ गए, अब हवा चल रही है, लक्ष्य उठ गया है और हम सो रहे हैं। लक्ष्य उठा, लक्ष्य तो उठ जा, हम सो रहे हैं। आयु मेरा सो रहा है अभी, ठीक है। और ये तीनों यहाँ सो रहे हैं, अनुज पापा और ये, और यहाँ दो ही फोल्डिंग है, दो फोल्डिंग पर मैं और आयु सो जाएंगे, एक पर लक्ष्य और मम्मी सो जाएंगे, ठीक है। बाकी आपसे सुबह मिलते हैं, अभी तो फिलहाल मैं ऐसी रात काटेंगे, ठीक है। जाना तो चला जा, जा। घुमड़ा कहाँ पड़ गया, कैसे? अच्छा ये लेटा ना जिसका टूट रहा था, इधर आ जा, इस वाले पे आ जा तू। ओ दिखा, अरे मेरे पास आया। ओ इसके लग गई बहुत तेज, यहाँ पे लग गई ये नीचे से आती है। हाँ नहीं, ये फोल्डिंग में इसका पैर घुस गया। हाँ रगड़ आ गई, रगड़ नहीं आ गई, सूज गया इसके। जब वहाँ लेट रहे तो लेट जाने, तो इधर ही आ जा, आयु के पास आ जा, मैं लेट जाऊंगी इधर। The next day. Good morning guys. Good morning guys. सुबह के बज रहे हैं 6:30 और हम लोग हैं छत पे, और हम अभी भी छत पर हैं, और उधर है फ्लाइंग बीस्ट वाले भैया जी का घर। देखिए यहाँ रहते हैं फ्लाइंग बीस्ट वाले, बिल्डिंग बनी है, इसके नीचे बिल्डिंग है। वो जो कोने में दिख रही ना आपको, इस वाली में यहाँ रहते हैं, ऐसा इसने बताया है। मैंने देखा है तो मैंने बताया, इसे बताया कि सब्जी लेते हुए देखा है फ्लाइंग बीस्ट को है, देखा मतलब ब्लॉग वगैरह में मैंने देखा है तो मैंने, ये अपना एरिया है, ये तो जाना पहचाना एरिया है। तो वो इस वाले बिल्डिंग में रहते हैं, ये देखो मैं और जूम कर दूं क्या, ये वाले में, ठीक है। ये मेरी फिंगर देख रहे हो, मेरी फिंगर का है ये रही। और हम लोग अब जो ब्रेकफास्ट करेंगे सोच रहे हैं, धूप ना आए तब तक तो हम छत पे कर लें। और पापा बैठ गए यहाँ पे, पापा ने सोचा मैं टाइम पास कर लूँ
कि पेंट वेंट कर लेते हैं सीढ़ी को, तो पेंट हो चुका है खराब, 2 साल पहले का रखा हुआ था, तो अब नया लेके आना पड़ेगा। अब वैसे लाइट आ गई है पर एसी नहीं चल सकता। लाइट वाले भैया पापा सुबह सुबह लेकर आ गए थे 5:30 बजे, ठीक है, तो वो ठीक तो कर गए हैं, बट उन्होंने बोला भी एसी नहीं चलाना क्योंकि एमसी जल गई थी उसकी, तो वो दुकानें खुलेगी 10 बजे करीब। यहाँ का पता है करोल बाग में थोड़ा सा लेट उठते हैं सब लोग, 10 बजे वो दुकानें खुलेगी तब वो एमसी मतलब लेकर आएंगे पापा, तब वो लगेगी, तब एसी चला सकते हैं। पर नीचे जाने का मन नहीं कर रहा, ऊपर ठंडा हो रहा है बहुत, मौसम ठंडा हो रहा है, जब तक धूप नहीं आ रही। हाँ जैसे सोचा तब तक हम यहीं बैठ जाते हैं रात भर। रात को 6 बजे से ऊपर ही आ जाना था। हाँ जैसे 8 बजे कोई भी ऊपर ही उठा लेते। हाँ नीचे से ज्यादा तो ऊपर ठंडा लग रहा था, एसी में भी इतना ठंडा नहीं लग रहा था। चलो ये है ना, ये जो भी कुछ मैं है बोल भी रहे थे, एक बार ऊपर चक्कर लगाया मेरे को, क्या पता तुमने एक बार ही मेरे को ऐसे ही बोला कि एक बार ऊपर चक्कर लगाया, मैं गई नहीं। मैंने कराया। और किसने कराया? अच्छा तो मम्मी ने सोचा मेरा टाइम पास नहीं हो रहा। फूटी किस्मत लेके घूमती रहती है, इसकी फूटी किस्मत इसके साथ यहाँ भी आ गई। हमारे यहाँ तो लाइट जाती जाती है, कभी तार फूक रहा है कभी कुछ हो रहा है, यहाँ भी अपनी फूटी किस्मत ले आई। पहली बार ऐसा कांड हुआ है यहाँ पे। और कब? अब बोल लिया। और मम्मी सोच रही है कि तब तक मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, ये काम भी निपटा लेती हूँ, बहुत दिन से छत पे नहीं आया मम्मी। आई नहीं, मैं अभी आई हूँ। तो मम्मी ने सोचा मैं छत की क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो बताओ ये फ़ायदा नहीं हुआ एसी वो करने से, तुम्हारी नई एमसी लग जाएगी, छत की सफाई हो जाएगी, जीना पेंट हो जाएगा, वैसे ही तुम लोग कर नहीं रहे। 8 घंटे की बिजली का तुम्हारा बिल बच रहा है। और क्या चाहिए, ताजी ताजी हवा मिल रही है, इससे हमें ये भी पता लग गया फ्लाइंग विस्ट वहाँ की बिल्डिंग में रहते हैं, हमें ये भी नहीं पता थी। पहले पता होती तो हम उनसे जाके मदद ले लेते ना। मदद ले लेते जी, लाइट दे दो यहाँ से। तो कितने फायदे हुए इस चीज के, हुए कि नहीं है अनुज? हुए ना। फिर तो फिर ये चीजें होनी चाहिए कभी कभी, इस चीज का भी देखो। हाँ ये रही, तो छत लेकिन इतनी अच्छी आ रही थी मेरे, देखो दोनों कबूतर अभी तक सो रहे हैं ये। हाँ ये दोनों अभी तक सो रहे हैं। गर्मी के दिन मेरे को याद आ गए बचपन के, हम पहले छत पे सोया करते थे, तो हमारा जो अलार्म था ना वो मक्खियाँ हुआ करती, मक्खियाँ मुँह पे बन 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 करके उठ, हाँ मक्खियाँ उठा देती थी। बैठ जाए तुझे सजा मिली हुई है क्या? बैठ ही गया काफी घंटे। पापा जी यहाँ बैठ गए। मम्मी के लिए ना चैनल नेम बताना, मम्मी पूछ रही है मेरे चैनल का नेम क्या होना चाहिए, तो वो अपना जो चैनल खोल रही है ना उसके लिए नेम पूछ रही है, तो मैंने तो यही बोला चैनल नेम होना चाहिए जिम सास ससुराल। तो मम्मी भी अपना ब्लॉग बनाया करेंगी है मम्मी। ठीक है मम्मी, ब्लॉग में जवाब दिया करना मुझे, मैं तुम्हें दिया करूंगी ब्लॉग में जवाब, तुम मुझे दिया करना, ठीक है बाबा? हैं ठीक है। अब ये सफाई अभियान खत्म कर दो भैया, अब सुबह हो गई है 7 बजे। और इन दोनों को देखो, इन दोनों को सो कैसे रहे, ये सो कैसे रहे दोनों, देख रहे जरा घुटनों पे दबा लिया, इसके पैरों पे देखो निशान पड़ गए फोल्डिंग के, आखिरकार हम लोग नीचे आ गए छत पे से। और सी ये मेरा ब्रेकफास्ट, और ये दोनों बच्चे बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। हम जब भी ससुराल आते हैं हम कचौड़ी का ही ब्रेकफास्ट क्यों करते हैं? रात आपने इसे भटूरे खिलाए, अब इसे सुबह कचौड़ी खिला रहे हो, और फुटबॉल बना के भेजोगे कैसे? आधी है, आधी बची है, वो भी हो जाएगी, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। चलो भाई ब्रेकफास्ट करते हैं, नहाते धोते हैं और देखते हैं क्या होता है आज पूरे दिन के अंदर। 3 hours later ऐसा है, थोड़ी देर के अंदर ढूंढो मम्मी को लेकर के आओ, ठीक है।
और शूट करते रहिए बराबर, फोन थोड़ा सा ऐसे लेवल पे लेकर के कि पता ना लगे, ठीक है? ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूँ, तुम मम्मी को ढूंढ के लेकर आओ। मम्मी मम्मी हाँ, एक बार इधर आना, देखना जीजा जी बर्तन साफ कर रहे हैं, दीदी अंदर बैठी हुई है। दीदी एक बार मम्मी बुला रही है, बहन और क्या। हाँ इसने बोला है मम्मी, मेरे आँखों के सामने बोला है सब। बिल्कुल सच कह रहे हैं, तेरे सामने बोला है, अपनी मर्जी से तू पूरे से नहीं माजे, एक तो पड़ा हुआ से माजो ना, फिर देख लो मम्मी तुम्हारे सामने। चाय बना रहा हूं, चाय बना के देता हूं तेरे को, तू चाय भी तो बोली थी, पर मां से चाय बना दो। ये क्या बदतमीजी है, एक पड़ा जब माजे दो चार तो ये तो मैंने बना कर है ना इनको, चाय बना देता हूं ना, तू बोली थी बर्तन मांज के चाय बना देना। ए चुप है, तेरी बोली है, चाय तो पी चुके हैं हम। कितना झूठ बोलते हो तुम, कितना झूठ बोलते हो, सच क्यों नहीं बोल रहे हो? मजे ले रहे हैं ऐसे ही, मजाक कर रहे हैं यार, मजाक कर रहे हैं ऐसे ही, टसल ले देते ये भाई, बोलो ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग करते करते ना जीजा जी एक बार खिंचाई तो कर दो यार। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, यार कंटेंट बनते हुए अच्छा खासा कंटेंट बनते हुए, मेरे को फालतू में तुम संग मत किया करो। सुबह से लड़की, पता सुबह से गाइस, सुबह से ये लड़की यहाँ पछड़ी हुई है, यहाँ पे पछड़ी हुई है सुबह से। अरे खूटा लाके बांध दो इधर को, बैठ गई भाई, भैंसों की तरह पछड़ी हुई है, बांध दो बांध दो, मतलब तुम चलो इन्हें यहाँ पे, ये तो एक्सेप्ट किया कि इट्स लुक्स लाइक अ बफलो, गजब बेइज्जती है। अरे मेरे दोनों बच्चे प्यारे प्यारे से, एक घंटा ये खेल रहा है और एक घंटा ये खेल रहा है, सुबह से इनका यही चल रहा है, एक एक घंटे की बारियां चल रही हैं, एक एक घंटे की बारियां चल रही हैं, पागल हो गए दोनों। खैर मेरे को जाना है, 6 बजे निकल जाऊंगा, ठीक है बड़ी, 6 बजे पार्टी में जाना है यार उसकी। आज हमारे दोस्त के चाचा जी की मैरिज एनिवर्सरी है, और पता नहीं लोग ये 10-10, 15-15 साल बाद मैरिज एनिवर्सरी मनाने की अपने अंदर हिम्मत और ताकत कहाँ से ले आते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, मतलब ये 10-15 साल बाद कैसे मन कर जाता है कि मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर ले, डाइवोर्स वगैरह हो तो सेलिब्रेट किया जाए। चलो क्या हुआ, मिलता हूँ आप लोगों से थोड़ी बहुत देर में, यहाँ से निकल के घर के लिए, और फिर करते हैं आप लोगों से बात, देखते हैं ये लोग जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। मेरे को तो इनके विचार और इनका मूड देख के लग नहीं रहा कि ये लोग घर जाने वाले हैं, फिलहाल मैं निकलता हूँ और चलेंगे तो लेके चलते हैं, ठीक है, मिलता हूँ आप लोगों से थोड़ी बहुत देर में नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, बाय बाय, टेक केयर।